माँ सबके माँ बाप ने पढ़ाया वैसे ये नौकरी मिली थी आपको है? हाँ भाई, ये खत है सोनिया का और ये खत ये कहता है, सबसे पहले तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। असल में ये झांका इसी की वजह से आया है, हमारा इसे झांका दिया इन्होंने थोड़ा सा। दरअसल वो सोनिया का लिया खत लाया था, उसने कहा चलो एक आंटी को भी भुगता दो। अच्छा, इस खत में लिखा कुछ ऐसे है, सोनिया आप हमेशा से स्लिम एंड स्मार्ट रही हैं। मैं भी थी वैसे। लेकिन अगर शादी के बाद आपको हवा लग गई और आप उड़ गई और आपको थोड़ा सा मास चढ़ गया, बन गई घाव, हाँ कुछ ऐसा हो गया, तो फिर आप क्या करेंगी? जरा टिप्स दे दीजिए खवातीन को। पतले कैसे होंगी बाद में? अभी तो भाई जब पहले नहीं भरो फिर बताओ क्या होगा। शादी के बाद अगर मतलब मोटी हो गई ना, अगर पतली कैसे, तो फिर क्या करोगी? जो निदा यासिर करती है वही कर लेना। देखा नहीं है कैसे कर लेगी? कितनी पतली होगा। नहीं, अच्छी बात तो ये है कि मुझे जैसे मीठा खाने का और फ्राइड चीज खाने का शौक नहीं है, और शायद उस पे बहुत वेट वैसे ही कंट्रोल हो जाता है। दूसरी बात ये है कि क्या करें और क्या करें, घर बैठ के इंसान क्या कर सकते हैं? मतलब अगर चाहें, अगर आप चाहें तो खुद भी फ्लोर ट्रेनिंग और घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब हमने ये बनाया हुआ है नहीं, आपको जिम जाके ही वेट लूज करना होगा, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप लिटरली, मैंने कुछ लोगों को देखा है चारपाई से भी वो एप्स बना लेते हैं, चारपाई पे हाथ रखते हैं और लिटरली वो डिप्स करते हैं और एप्स बना लेते हैं। तो शायद अगर आप रोजाना 15-20 मिनट भी निकालें एक्सरसाइज के तो वेट मेंटेन हो सकता है। अच्छा, ये जो मुश्किल मुश्किल एक्सरसाइज के नाम ये ले रही हैं जो इनको आते हैं, पिलाटे पिलूटे, ये अच्छा, लेकिन अगर घर में एक जो औरतें झाड़ू पोछा करती थी फर्श पे, वो भी एक्सरसाइज थी, आपकी लोअर बैक मजबूत होती, पोछा लगाना नीचे बैठ के और पूरा ये। अभी भी मेरी हेल्प जो है, लड़की आती है, अल्लाह उसको खुश रखे, 5 बच्चों की माँ, आराम से पोछा लगाती क्योंकि उसके बाजू और उसके लोअर बैग में ताकत है। हाँ। तो हमें तो नहीं, खैर हमने नहीं किया। मतलब भाई मैं तो जब मेरे बच्चे पैदा होते थे मैं तो बहुत मोटी हो जाती थी, तो मैं क्या करती थी, मैं झाड़ू पोछे लगाती थी घर के और मैं 1.25 महीने के अंदर अंदर उस वहीं वापस आ जाती। सबसे अच्छी एक्सरसाइज एक तो स्किपिंग है जो कि हर कोई कर सकता है, अब मजा भी आता है, रस्सी को ऐसा लगता है जवान है जी, और सीढ़ियां चढ़े घर में, सीढ़ियां चढ़े सीढ़ियां उतरे, बहुत अच्छी एक्सरसाइज, ये भी बेस्ट है। मतलब फीस भरे बगैर भी आप कहीं वेट कम कर सकते। तुमने सोचा हुआ कि तुमने शादी के बाद भी अपने आप को मोटा नहीं होने देना? पहले शादी का तो सोच ले, अभी लाइन लगी हुई है बेचारी के पास, आप शादी के मैं सोचूंगी जब आप टप्पा गाएंगी मेरी शादी। मैं गाऊंगी, देखो मैंने उर्वा की शादी पे टप्पा भी गाया था और डांस भी किया था, समझ आई? अब और मैं टिकट लेके खरीद के गई थी उसकी शादी कर तो दो, शादी कर तो लो। अगर उसने अमेरिका या ग्रीस वगैरह में कर ली फिर टिकट खरीद के जाएंगी? नहीं तो लेकर जाएंगे। हाँ, ये कमा रही है कि मेरे टिकट भरेगी।